संयोजन को करने वाले हमारे प्रताप सिंह जी, रामेश्वर जी, राजेंद्र जी और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आदरणीय सीआर चौधरी साहब को, हरिओम सिंह जी को, हबीबुर रहमान साहब को, श्री राम जी बेचर जी को और मंजू बागमान जी को, पूरे सांझू क्षेत्र के आसपास के सभी ग्रामवासियों की ओर से, सभी नागरिकों की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हर कार्यक्रम में आपने तुरंत डेगाना के लिए समय दिया है, बहुत समय दिया। और मैं भी सबको बताना चाहूंगा कि यहाँ के कार्यक्रम के बाद में पालड़ी के अंदर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास है और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि वहां पर सीधा यहां से वहीं पे चलना है, वहां भी बहुत बड़ा कार्यक्रम। अभी एमपी साहब ने, एमएलए साहब ने, सीआर साहब ने विस्तार से आपको बता दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि काम की कहीं भी विकास की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। और अभी जो मंच से जो कामों के बारे में अभी गिनाया सीआर साहब ने, हरिओम सिंह जी ने, हमारे विधायक गणों ने, उसके बारे में मैं चार लाइनें बोलना चाह रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। मैं दीपक हूं, लोग कहने लगे काम नहीं हुए यार, पहले लिखाई में तो भी बारे में बता रही हूं, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, ये हवा तो बेवजह मुझे परेशान करती है। क्या हवा? मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, ये हवा तो बेवजह मुझे परेशान करती है। कह दो हवा से खुद को आजमा के दिखाए, कह दो हवा को खुद को आजमा के दिखाए, बार बार बुझाती है ये दीपक, बार बार बुझाती है ये दीपक, एक दीपक जला के तो दिखाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में आदमी के समस्या कौन का आवे, जब को जिम्मेदारी ले गए। आज पूछो सीआर साहब ने जगह मंत्री, जब आप जिम्मेदारी लोगे तो 10 तरह की समस्या आएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की 67 साल बाद में डेगाना को कॉलेज मिला है, और एक वो भी समय था जब यहां के लोगों ने मांग की कॉलेज की, तो यह कहा गया कि कॉलेज मत बुलाओ, लड़का लड़कियां बिगड़ जावे ना, घर बच तो रहेगा एन कह। आज सड़कों की बात हम करते हैं, बार 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 ज्ञापन दे दिया कि सड़का बढ़ाओ, एन को भी समय हो कि सड़का मत बनाओ, चोर आ जाए तो कर रहे हो एन मन अबार मिला, अबार बटे की ढाणी भी योजना डाओ नहीं मैं कहता रोड मागे तो निकले जो बोले एमपी साहब ने गया राम गुमनाथ जी का रोड नहीं निकलने ना, तो राम जी ने जा रहा है मेरे पे की रोड कौन निकल पाए ना, चिंता मत करो। और आज जमा जितनी बार बात है कि ना मार्के कार्य कर, आज युवा मुझे आप मुझे बताओ क्या कल्पना, किस तरह से हमारे बच्चे पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे बच्चे झुंझुनू और सीकर के समकक्ष जाएंगे। आज नागौर के अंदर, आज राजस्थान में चले जाओ, आज जाकर के देखो नागौर की कितनी बच्चियां हैं जो बाहर सरकारी नौकरी के अंदर, हमने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं, हम यही कहते रहे कि बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आज वसुंधरा राजे जी ने सबसे पहले राजस्थान के अंदर अगर कॉलेज दिया तो वो सबसे पहले डेगाना को दिया, और उसका श्रेय जाता है तो यहाँ की डेगाना की जनता को जाता है, जिसने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया और दूसरी बार विधायक को जिताया, तो मंत्री आज बना हूं तो आपकी बदौलत है डेगाना की जनता की। पानी के लिए वसुंधरा जी आए थे, घोषणा करके गए थे पानी के लिए। मैं आज आपको बता रहा हूं कि 24 गांवों के अंदर नीमड़ी चांदावता ग्राम पंचायत, बूटाटी, पूनास, बछवारी, चोलियास, इन राजोद, इन गांवों के अंदर 24 गांव में तुरंत पानी आ जाएगा। और मैं सब जगह माताएं बहना बैठी है, मैंने सबों ज्यादा खुशी बात है कि घर घर टूटा लाग जाए, घर घर पानी की समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी आपके। और अप्रैल में डेगाना मुख्यालय पर पानी आ जाएगा, उसका जो पंपिंग स्टेशन बाजियासर में और बामणा में भी को बणगो है, और 50 टंकिया डेगाना में बात जल्दी बन रही है, पूरो भी को सर्वे भी को देखो जल्दी जल्दी भी को सर्वे आपके बन जाए। इसके अलावा आज जगह भी मैं एक डेगाना में बताना चाहता हूं, हमारे
सीआर चौधरी साहब को और एमपी साहब को कि डेगाना जल्दी ही बिजली से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल मुक्त से मेरा मतलब है कोई ढाणियां ऐसी नहीं रहेगी कि जिसमें बिजली ना हो, और भविष्य के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि एक घर भी अगर कोई बैठो तो बीकेबी बिजली अपन है, तुरंत बीकेबी अपन लगाने। अब आर कोऑपरेटिव विभाग मार्केट है सांजू के मायने पिछली बार में बैंक खोल दी ताकि आपने डेगाना जाऊन की जरूरत नहीं, किसानों को जो भी पैसा लेन देन आपने कर रहे हो आप अटू ले सको। एक में गोदाम भी और बना दिए, अबार मैंने दूसरा गांव का भी किया, घिमदानागढ़ बैठा मैं भी किया गोदाम बनाओ, बिरादरगंज बैठा मार साहब की गोदाम, मैं पापी घोषणा कर दी। मैं मारो पूरा प्रयास कर रहा हूं कि डेगाना के मायने कोई ग्राम पंचायत है इनकी नहीं रहनी चाहिए, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है सब जगह अपने सोसाइटी। एक जगह बीमा की मैं अपार बात करी हूं, पिछली बार मैं विधायक को जगह जगह आपके दुख के मायने में बटे गांव में।